होप आपको लास्ट टॉपिक समझ आ गया होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने किया था अलजेब्रा एक्सप्रेशन में एडिशन लीनियर मेथड और कॉलम मेथड के द्वारा। आज हम करेंगे कॉलम मेथड के द्वारा सबट्रैक्शन आपने कैसे सॉल्व करना है सब। तो कौन सा मेथड है? कॉलम मेथड। कॉलम मेथड के द्वारा सबट्रैक्शन करना, क्या करनी है आपने? सबट्रैक्शन यानी घटाना है। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टेटमेंट ले लीजिए कि कॉलम रो। लीनियर मेथड में क्या होता था कि हम एक ही लाइन में सबको सॉल्व करते थे, बट कॉलम मेथड में क्या होता है कि हम कॉलम के द्वारा सॉल्व करते हैं, यानी एक कॉलम को अपर साइड लिखते हैं और सेकंड रो को नीचे लिखकर उसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2x में 5-5x को घटाइए। तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, सबट्रैक्शन कैसे करनी है? तो आपने क्या करना है कि एक स्टेटमेंट को ऊपर राइट करना है। फॉर एग्जांपल आप इसको 2 को भी ऊपर राइट कर सकते हो, 5 को भी ऊपर राइट कर सकते हो, 5 और देन आपने क्या करना है, -5 डाउन साइड राइट करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो आप क्या करेंगे, माइनस होने पर जो ये वाले स्टेटमेंट है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। माइनस करना है तो स्टेटमेंट के साइन चेंज होने, ये पहले नेगेटिव था अब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो x का x कोफिशियंट ऐसे ही आ जाएगा और इसमें इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 7x। अगर आप 5 को ऊपर रखकर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? ये तो था स्मॉल। अब आप थोड़ा लार्ज लेकर चलते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 5y प्लस 3, इसमें से आपने माइनस करना है 5x प्लस 2y माइनस 4। आप इसको आपने सबको सॉल्व करना है कॉलम मेथड के द्वारा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सम स्टेटमेंट गिवन है आपको कि आप इसको कॉलम मेथड के द्वारा सॉल्व करो, तो आपने कॉलम मेथड का यूज करना है। अगर आपको आपकी स्टेटमेंट में आ जाए लीनियर मेथड का यूज करके इसको सम को सॉल्व करना है, तो आप तब आपने लीनियर मेथड का यूज करना है। अगर आपके सम में मेंशन नहीं है कि कॉलम मेथड या लीनियर मेथड मेंशन नहीं है, तो एज यू विश आप कॉलम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लीनियर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। बट आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि कॉलम मेथड के द्वारा सबट्रैक्शन कैसे करनी है। तो सेम एज इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट को अपर राइट करेंगे 2x माइनस 5y प्लस 3। जो सेकेंड स्टेटमेंट है जो x वाले कोफिशियंट है वो x के नीचे, y वाले जो कोफिशियंट है वो y के नीचे, और विदाउट एक्स वाई यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट के नीचे राइट करेंगे। तो यहाँ पर भी 5x है प्लस 2y माइनस के 4। अब आपने क्या करना है, सबट्रैक्शन करनी है। तो सबट्रैक्शन में आप क्या करते हो, जो भी आपकी स्टेटमेंट नीचे डाउन साइड होती है अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, यानी आपके उसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 5 का मतलब क्या है, पॉजिटिव, इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये प्लस का है तो ये भी नेगेटिव, आप इसको भूल जाओगे। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आप इसको फॉरगेट कर दोगे। क्लियर? अब जो ये है सबट्रैक्शन कर रहे हैं, 2 प्लस का है, जो 5 है वो माइनस का है, इट मीन्स दोनों के साइन चेंज है, तो आप इसको क्या करोगे, आपस में घटाओगे, सबट्रैक्शन करोगे। 5 में से 2 कट किया 3, और जो बिग वैल्यू है, बिग यहाँ पर क्या है आपका 5, उसका साइन लगाओगे, देन एक्स एज इट इज। क्लियर? अब 5x जो है वो नेगेटिव है, 2y जो है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों सेम है, इट मीन्स ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, एड करेंगे, 5 प्लस 2 7, और y एज इट इज। अब यहाँ पर बिग वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का साइन क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव। क्लियर? उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्लस का 3 प्लस 4, सेम डिजिट है, सेम साइन है, इट मीन्स इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, 4 और 3 7, और बिग डिजिट यहाँ पर 4 है तो उसकी वैल्यू लोगे। क्लियर? तो इस तरह हम सम को सॉल्व करेंगे बाय कॉलम मेथड के द्वारा। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।